इंडियन फिल्म हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन फिल्म अगर कोई है तो वो है मुगले आजम। इतिहास गवाह है कि मुगले आजम जैसी फिल्म 100 सालों में सिर्फ एक बार बनती है। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं हजारों दिलों पर राज करने वाली इस फिल्म की कुछ अनसुनी बातें। मुगले आजम फिल्म का प्रोजेक्ट एक जिग्स प्रोजेक्ट था। 1944 के बाद डायरेक्टर के आसिफ ने इस फिल्म का निर्माण शुरू किया, लेकिन फिल्म के हीरो की मौत की वजह से इस फिल्म को बंद करना पड़ा। फिल्म की फिर से शुरुआत करने के बाद इस फिल्म के शूटिंग को फिर से बंद करना पड़ा था। इस फिल्म का सेट किसी कारण से जलकर खाक हो गया था। इस फिल्म के लिए दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर और मधुबाला डायरेक्टर की पहली पसंद नहीं थी, बल्कि आसिफ साहब, नरगिस, सप्रू और चंद्रमोहन को लेकर ये फिल्म बनाना चाहते थे। ऐसी ऐतिहासिक फिल्म को बनाने के लिए उनको लगे थे पूरे 14 साल। इस फिल्म के क्लासिक गाने जब प्यार किया तो डरना क्या को शूट करने के लिए जो सेट बनाया गया था उसकी कीमत उस जमाने के हिसाब से 10 लाख रुपए हुई थी। और मजेदार बात ये थी कि शीश महल के इस सेट को शूटिंग न होने के दौरान टिकट देकर लोगों को दिखाया जाता था। ग्रेट म्यूजिक कंपोजर नौशाद साहब ने इस फिल्म के एक गाने ए मोहब्बत जिंदाबाद के लिए रफी साहब के अलावा 100 सिंगर से कोरस गवाया था। इस फिल्म में दिलीप कुमार के बचपन का रोल पहले उस्ताद जाकिर हुसैन को ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में जलाल आगा ने ये रोल निभाया और जलाल आगा वो थे जो शोले में महबूबा गाने में दिखे हैं। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था अमान साहब ने, जो जिनत अमान के पिता थे। इस फिल्म के एक गाने में मधुबाला के कहने पर उन्हें असली सलाखें पहनाई गई थी। इस फिल्म के दौरान सलीम और अनारकली की मोहब्बत की तरह दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत ने भी दम तोड़ दिया था। दिलीप कुमार और मधुबाला के ब्रेकअप हो जाने के बावजूद भी उन दोनों को फिल्म के दौरान रोमांटिक सीन देने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। हद तो तब हुई थी कि दिलीप कुमार ने सेट पे सबके सामने मधुबाला को चाटा मार दिया था। ये फिल्म मुगले आजम के आसिफ जी का एक ऐसा सपना था जिसे पूरा करते करते उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने अपना धन दौलत सब दाव पे लगा दिया था और वो फाइनेंशियली पूरे बर्बाद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।